हरे कृष्णा। तो हमारे श्रीमद् भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो के अध्याय एक में। जहां पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान की अनुभूति की जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या आपने भगवान को देखा है। अगर हमने देखा है तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं। आप थोड़ा सा अकल लगाइए और ये सोचिए कि क्या हम भगवान को किसी को भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध के अंदर दही छुपा होता है, लेकिन उसको पूरी रात किसी न किसी खट्टी आइटम के साथ रखते हैं, तब जाकर के सुबह वह दूध क्या मिलता है, दही के फॉर्म में मिलता है। तो दूध को दही की फॉर्म में बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। दूध में से मक्खन निकाला जा सकता है, अगर उसकी चर्निंग की जाए, उसको मथा जाए, तो हमें उसमें से मक्खन भी मिल सकता है। उसके लिए भी हमें एक प्रोसीजर के अंदर जाना पड़ता है। ऐसे ही भगवान है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, लेकिन उनको समझने के लिए, उनकी अनुभूति होने के लिए हमें भागवत जैसे अध्यायों में जाना पड़ता है। तब हमें समझ में आता है कि हमारे वैदिक शास्त्र हमको क्या शिक्षा देते हैं। तो आइए चलते हैं आज हम इसके पहले अध्याय में, जहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, अपने मन को भगवान के इस प्रकार के विराट रूप में लगाओ। इस अध्याय में तकरीबन 39 श्लोकास हैं और उन श्लोकास में हम सारे श्लोकास तो नहीं पढ़ सकते, संक्षिप्त रूप में भागवत चल रहा है, तो हम इसमें समझेंगे कि एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया, तत्र एकव्यं ध्यायेत विच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किश्चिन्न स्मरेत पदं तत्परं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय एक का श्लोक संख्या 19, उसमें यह बात बताई गई है कि श्री भगवान विष्णु का पूरा शरीर है, यह आप इस पर ध्यान लगा सकते हैं। इसके अंदर पूरी सृष्टि, समग्र सृष्टि, जहां जहां नेचर में आपकी दृष्टि पड़ती हो, वह सब भगवान के ही शरीर है। बस आपको इसमें अपना चिंतन करना है। मनुष्य अगर भगवान की सृष्टि को देखते वक्त, मान लो आप शिमला गए, मनाली गए, स्विट्जरलैंड गए, और वहां पर आप पहाड़ों को देखकर कहते हैं वाह प्रभु कितना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। यह बात अगर आपको समझ में आ जाए सृष्टि देखते वक्त, तो आप समझिए आपने भगवान का सबसे बड़ा मेडिटेशन, ध्यान योग को पूर्ण कर लिया है। कहते हैं सौभाग्यशाली लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, कैसे देखें हम भगवान को। तो आज हम बताएंगे आपको कि इस सृष्टि काल के अंदर भगवान करुणदक्षाय विष्णु जब अपने करण सागर पर लेटते हैं और उनके शरीर के रोम कुप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, एक एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर उनकी नाभि से एक सुंदर कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं और उस कमल की डंडी के अंदर 7 लोक हैं। ऐसे 7 लोगों का वर्णन इसके अंदर किया गया श्रीमद् भागवत में। देखिए नीचे वाले लोक हैं उनको कहते हैं अधो लोक और ऊपर वाले लोगों को कहते हैं ऊर्ध्व लोक। तो ये 14 लोक जिसमें बीच में मध्य भाग में पृथ्वी है, अधो लोक है जिसमें सबसे पहले तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत में पाताल। तो ये 7 लोक नीचे हैं। तो इसी प्रकार से जब हम ऊपर की क्रिया में चलेंगे ऊर्ध्व लोक यानी ऊर्ध्व ऊपर की ओर, तो मध्य में पृथ्वी है, फिर ऊपर चलते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जैसे हम गायत्री मंत्र में बोलते हैं भूर भुव स्वाहा, तो भू हो गई भूमि, भुवा लोक हो गया, इसके ऊपर एक लोक है जैसे पितृलोक भी कहते हैं, फिर स्व यानी स्वर्ग लोक, फिर स्वर्ग लोक के ऊपर चलते हैं तो महर लोक, जन लोक, तपस लोक और सत्य लोक जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 लोक जो हैं यह कमल नाल के अंदर है। अब देखिए एक जो ब्रह्मांड है इसके 7 कवरिंग होती हैं, पृथ्वी, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, मन, बुद्धि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 7 लेयर है, आवरण जिसे कहते हैं 7 आवरण, ये एक एक गोले में, एक एक अंडे के अंदर है। जैसे एक फुटबॉल होती है, ऐसे ही हमारा एक ब्रह्मांड है फुटबॉल जैसा, उसके अंदर ऐसे अंदर एक लेदर का एक बॉल होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना, उसके अंदर हवा होती है। इस प्रकार से भगवान ने इस गोलाकार रूपी ब्रह्मांड को बनाया। अब हम समझते हैं कि इस विराट रूप को कैसे देखें। देखिए इसमें बताते हैं जो भगवान, जो इसकी छाती है भगवान कृष्ण की, उसको मानना चाहिए स्वर्ग लोक, यह भगवान का चेस्ट है। गर्दन जो है भगवान की, यह महर लोक,
और मुख जो है वो जन लोक है और मस्तक जो है भगवान का वो तपा लोक है। अब आप देखें 14 लोक हैं इसमें भगवान खड़े हुए हैं और आप एक एक अंग उनके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सर्वोच्च लोक है सत्यलोक जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, इसको 1000 सिरों वाला यानी कि ब्रह्म लोक में भगवान के 1000 सिर है, ऐसे खड़े हुए हैं भगवान। और उन आदि पुरुष गोविंद का जब हम नीचे पढ़ते हैं वहां पर वैदिक स्त्रोत्रों का मंत्र चलता रहता है हमेशा ही। यमराज उनकी दाढ़ी है, भगवान की अगर बियर्ड है तो वो यमराज है। स्नेह की कला जो है स्नेह करना भगवान का, अपने भक्तों से प्रेम करना, ये उनके दांतों की पंक्ति बताई गई है। जैसे हम जब स्माइल करते हैं तो हमारे दांत दिखते हैं, यह भगवान का स्नेह है। सर्वाधिक मोहिनी माया जो है यह उनकी मुस्कान है, भगवान की जो स्माइल है लिप्स यह माया है और उस मुस्कान में बड़े बड़े लोग भी गिर जाते, धराशायी होते हैं। लज्जा भगवान के ऊपरी होठ है, यह लज्जा है भगवान की। और लालसा उनकी ठुड्डी है बताया गया, यानी कि चिन्ह जो है यह लालसा है, भगवान की इच्छा है, डिजायर्स है। धर्म उनका वक्षस्थल है और उनकी पीठ अधर्म है। अगर कोई व्यक्ति बोले अधर्म कहां रहता है, बोले भगवान के पीठ में। जब भगवान से कोई विमुख होता है वही व्यक्ति अधार्मिक कहलाता है। धार्मिक व्यक्ति कौन है, जो कृष्ण की शरण में, कृष्ण के सामने, जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करता हो, क्योंकि अधर्म भगवान की पीठ है उसे अधार्मिक ही कहते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मा जी जो है उनको क्या बताया गया है, ब्रह्मा जी उनकी जनेन्द्रिय हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। प्रजापतियों में प्रथम है ब्रह्मा और उनसे भगवान आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने 3 गुणों की रस्सी से 3 प्रकार के देवता बनाए और जिन्होंने आगे यह पूरा ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मा जी को रजोगुण से बनाया और विष्णु जी को सतोगुण से बनाया और शिव जी को तमोगुण से बनाया। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि रचना करना, विष्णु जी का कार्य है सृष्टि का पालन करना और शिव जी का कार्य है सृष्टि का संहार करना। तो तीनों देवताओं ने एक बार पूछा भगवान कृष्ण से कि अगर हम ये सारे कार्य करेंगे प्रभु तो आप क्या करेंगे। तो भगवान ने कहा मैं बांसुरी बजाऊंगा। भगवान अपनी रास लीलाओं में, माधुर्य लीलाओं में, अपनी उन लीलाओं में हमेशा व्यस्त रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का ओनर है वो कभी आपको इंगेज नहीं मिलेगा, काम करता हुआ नहीं मिलेगा, हमेशा वो फ्री मिलेगा। क्यों, क्योंकि वह मालिक है। मालिक सीईओ रखेगा, वाइस प्रेसिडेंट रखेगा, मैनेजर्स रखेगा, सिक्योरिटीज रखेगा, एम्प्लॉयज रखेगा, ताकि उसका काम सब कुछ करते रहे। और वो खुद क्या करेगा, बोले जी गोल्फ क्लब में गए हुए हैं, आज किसी फंक्शन में रिबन काटने गए हुए हैं, उनके पास समय ही समय होता है। तो ऐसे ही कृष्ण इन सारे कार्यों में लिप्त नहीं होते, लेकिन उनकी शक्ति जो है ब्रह्मा रूपी शक्ति, विष्णु रूपी शक्ति, शिवा रूपी शक्ति, इनको कृष्ण कार्य में लगाते। यह भागवतम का ये पहला अध्याय वर्णन करता है। एक बार एक व्यक्ति था भारत का और वो व्यक्ति विदेशों से आया हुआ था और भारत में रहता था और वो काफी साल बीत गए थे, उसका वीजा नहीं बन पा रहा था। तो वो जब भी सरकारी दफ्तर में जाता था, देखता था फाइल इधर से उधर, तो बोलता था ये कैसे चल रहा है यहाँ पे काम। तो वहां के लोग कहते थे भारत के भगवान भरोसे। तो कई दिन जब बीत गए तो एक दिन उसके पास मैसेज आया उसके फोन में कि आपका वीजा तैयार हो गया है। कहा भगवान भरोसे, चल रहा था, लगते भगवान ने मेरा बनवा दिया। गया, बोला ये कैसे मेरा वीजा बन गया, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करता, दिखता था फाइल इधर से उधर घूमती थी। तो वहां के व्यक्ति ने कहा भगवान भरोसे आपको बताया था। वो हंसने लगा, बोला भगवान कौन है भगवान। तो उसने कहा अपने आप पता कर लो। तो एक सनातन मंदिर में गया और सोचने लगा कि भगवान कौन है। तो उसने सबसे पहले देखा एक साईं बाबा की मूर्ति थी और वो कह रहे थे सबका मालिक एक है। उन्होंने कहा जब ये बता रहा है कि सबका मालिक ऊपर वाला है, कोई एक है, यानी ये तो वो मालिक नहीं है। तो उनको छोड़ करके वो आगे चला गया। फिर जब दूसरी जगह गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान शंकर जो है वो आंख बंद किए, हाथ में माला लेकर रुद्राक्ष की बैठे हुए हैं, पार्वती साइड में खड़ी हुई है। कहा ये किसी के ध्यान में है, अगर ये भगवान होता तो किसके ध्यान में, जरूर यह भगवान नहीं है। अब अपनी बुद्धि लगा रहा था, उसको कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। आगे गया, देखता है लक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं और वो सबको धन बांट रही है। ये फाइनेंस मिनिस्टर तो धन तो बांट रही है लेकिन मेहनत कर रही है, भगवान तो स्वच्छंद आनंद में दिखना चाहिए। फिर आगे गया, देखा दुर्गा जी का एक मंदिर है, वहां पर वो काली रूप में त्रिशूल लेकर एक महिषासुर का वध कर रही है। कहा ये भी एक्शन फॉर्म में, ये सिक्योरिटी इंचार्ज लगती है, लेकिन यह मालिक नहीं हो सकते, मालिक कौन है। धीरे धीरे करते करते वो भगवान कृष्ण के उस मंदिर की ओर पहुंचा जहां पर भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे श्रीमती राधा रानी के साथ। तो उसने कहा ये कौन व्यक्ति है।
ये एक स्त्री के साथ खड़ा हुआ है और उसको कोई संसार की चिंता नहीं है, मुस्कान में ऐसी आकर्षण है और इतने आनंद में है, ये हो सकता है मालिक है। तो वो गया और जाकर के वहां के एक ब्राह्मण से पूछा, आप बताइए भगवान कौन है भागवत के अनुसार? तो उन्होंने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहा देखिए ये बात शास्त्रों में लिखी है, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से समझा कि सब कोई ना कोई किसी कार्य में लगे, केवल कृष्ण कैसे भगवान है जो कार्य में लगाते हैं, जो अवतारों को सेवा में लगाते हैं लेकिन स्वयं अवतारी स्वच्छंद रूप से रासलीला और बांसुरी के आनंद में रहते हैं। तो इस तरह ये भागवत का जो ये अध्याय हमको बताता है, ईश्वर की अनुभूति किसी भी वस्तु को देख करके दृष्टि डाल करके हम कर सकते हैं। आशा करते हैं आप ईश्वर अनुभूति करेंगे। सृष्टि में सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, एक आकाश पृथ्वी भगवान का हिस्सा है, यहाँ पर बहने वाली नदियां भगवान की नसें हैं। इस विराट रूप को स्मरण करके आप भगवान को किसी भी जगह कण कण में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान का दर्शन करिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।